हाँ उर्फी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं यार, थोड़ा सा भैया लेके आए हैं। हो गया मेरे को ना कल इसका टेस्ट करवाने। तो आप बोर नहीं होने वाले हो बिल्कुल भी आज? रानी बड़ी सयानी। टाइम लगेगा, कोई गाल नहीं, थोड़ा वेट कर दिया। तो भागल है ना, पूछ रही है उसे। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू, घर का बना हुआ देसी घी। उंगली आ गई। ये बने हैं मेरे बेहतरीन गूंद के लड्डू। क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह सुबह लड़की खड़ी हो गई है, और चीकू तो भाई पूछो मत, आधी बाजू में पूरे घर में घूम रहा है। मैं कह रहा हूँ ठंड लग जाएगी भाई, मान जा, मानता नहीं है लड़का। ये देखो, ये देखो है वो हीरो, और ये जैकेट भी इसने आपके बोलने से पहनी है। हाँ, और ये कौन से वाला स्टाइल है? शाहरुख खान स्टाइल है। यस। कौन सी फिल्म में था? होगा किसी पठान मूवी में था, जो पठान मूवी आई थी ना, उसमें था ये वाला स्टाइल। एक्चुअली मूवी हम कम देखते हैं इसलिए हमें नॉलेज नहीं है, पर अरमान जी सारा दिन फोन पे रहते हैं तो उन्हें सारी नॉलेज। आपका फोन बज रहा है सर। मैंने भी देखी है। गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग बेटा। सुनने में आया रात को आपने बहुत तंग करा सबको, बता तो तुमने शक्ल तो दिखाओ आप। आने कर रहा है नहीं। अच्छा बाय बाय, चलो बाकी दो सो रहे हैं। बाय 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 बाय। तो यहाँ पे जैद भी हो गया, रेजी रेजी हो गई, हुआ सोना बाबू बन गई हो, सुंदरा बाबू बन गई हो। कोल्ड हो रहा है आपको? आपको नोजू आ रहा है का? तो अभी इसकी जो दवाइयां है ना, मैं कंटिन्यू सारी रख रही हूँ। बस दो चार दवाइयां जो अभी कंटिन्यू करनी है। इसका जो डिस्चार्ज हुआ था 26 तारीख को हुआ था, 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 छाती पांच है क्या? 4 तारीख 4। तो मुझे कल जाना है इसको डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 10 डेज बाद इसको दिखाना और इसका होगा चेकअप। ओके, आपका चेकअप है कल। तो गाइस, जो कल दो पार्सल आपको मैंने बताया था, 20 ड्रेसेस और ऑल्डो के मैंने रिटर्न डाले थे, तो रिटर्न के लिए आ गए हैं नायका की तरफ से। मैंने वहाँ पे डाल दिया था कंप्लेंट कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं दे देती हूँ वापस दोनों पार्सल। तो मेरी जो ये मिर्ची है ना, कल से रखी हुई है। मैं शांति को बोल रही हूँ, शांति प्लीज इसको फ्राई कर दे, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं, चीकू के पापा है नहीं घर पे, तो दूसरे वाले घर में इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये मिर्ची फ्राई की थी ना, तब कोई नहीं था, तब की थी, क्योंकि इसकी जो धांस आती है ना, बहुत ज्यादा ना आंखों को और मतलब गले में लगती है। तो लोगों के घर में ना शायद होता होगा मिर्ची नॉर्मल खाते हैं, पर हमारे घर में तो मिर्ची की सब्जी बनती है। मतलब कि सच में हरी मिर्च इतनी ज्यादा पसंद है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पसंद है, जितनी भी औरतें हैं सबको पसंद है। चीकू के पापा नहीं खाते स्पाइसी खाना, बाकी हमारे घर में सब खाते हैं। हाँ बेटा, चीकू कह रहे मम्मा मैं भी नहीं खाता। तो गोलू ने ऐसी मिर्च छुकवाई है, ऐसी मिर्च छुकवाई है, ये सारे खास रहे इनको। क्या हो रहा है गले में? कुछ हो रहा है ना? हाँ। अटक रहा है ना कुछ? जला 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 से हो रहा है। गोलू माँ ने अपनी, देख बच्चे भी उठ गए, इसने ऐसी मिर्च छुकवाई है। मैंने मना किया था मिर्च मत छुकवा, तो वाले घर में छुकवा ले, पर इसने यही छुकवा दी और सारे बच्चे जो सो रहे थे ना वो भी उठ गए। तो गाइज, हमने जो हमारे यहाँ खाना बनाने आते हैं ऑलवेज, जब शादी के टाइम पे भी जिन्होंने पूरा नीचे खाने का संभाला था, मैंने उनको बुक कर दिया फोन करके। मैंने बोल दिया 13 को जो है आपकी ऑलरेडी बुकिंग हो गई है हमारी तरफ, तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी। अभी वो कहीं गए हुए हैं बाहर, वहाँ पे उनकी वेडिंग का वो चल रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा डेकोरेशन का संभालते हैं उनको मैंने डेकोरेशन के लिए भी फोन कर दिया। मैंने कहा आपको 13 को डेकोरेशन करना है और पूरा अच्छे से, क्योंकि बच्चों का फर्स्ट जो है प्रोग्राम है, ये पहले साल का पहला प्रोग्राम है। दिवाली तो हमने कर दी थी, पर इस साल का पहला प्रोग्राम बहुत ज्यादा धूमधाम से, पहली लोई है इनकी, तो अच्छे से करनी है हमें, तो उनको भी मैंने बुक कर दिया है। साथ ही साथ कल वाले ब्लॉग में आपने देखा ही था, हमने सबके जो है कपड़े सिलवा दिए, जो रह गया वो रह गया, क्योंकि देखो बार बार जो है मेजरमेंट लेने नहीं आ सकती हैं वो, और साथ ही साथ क्या कहते हैं इतना दिन भी नहीं बचे हैं, तो सबके हमने आउटफिट सिलवा दिए हैं। मम्मी चीना का भी सिलवा दिया, हमारा तो सबका एक जैसा ही बना है। और साथ ही साथ मेरी दो चीजें रह गई हैं, एक तो लोकेशन जहाँ पे हमको सेलिब्रेशन करना है, दो तीन चीजें सोची हैं मैंने, सोचा था एक मिनट मेरे को पहले पूरी बात करने दे। जैसे कि पहले छत पे मैंने सोचा है, मैंने कहा छत पे सेलिब्रेट करते, फिर मैंने सोचा कि नहीं छत पे तो बहुत ज्यादा ठंड होगी, बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि हमारे नीचे सोसाइटी के ग्राउंड में, फिर मैंने सोचा कि कोई हम लोकेशन बैंकेट हॉल बुक कर लेते हैं, पर बैंकेट हॉल के अंदर तो है जो लोई का हम नहीं कर सकते, तो हमने सोचा है कि नीचे टेंट लगवा के साइड पे जो है हम लोहड़ी का वो प्रोग्राम सेट करते हैं। तो उसके लिए मुझे नीचे जाना है, सोसाइटी वालों से बात करनी है। मैं सोच रही हूँ पहले काम करते, तू बोलते ना मेहंदी लगवाती है, तो ज्यादा तो नहीं, तुम इतनी जैसे करवा चौथ पे इतनी भर भर के नहीं, बट मेहंदी तो सुंदर लगती है, मेहंदी लगवाते थोड़ी थोड़ी। तो एक काम करते हैं, लोई से एक दिन पहले 12 तारीख को ना मेहंदी का प्रोग्राम रखते हैं, सब लोग सारी लेडीज है, शांति मजा आएगा, सब लेडीज को मेहंदी लगवा देते हैं और दोपहर में लगवाते हैं ताकि ठंड ना लगे। देख शाम को लगवा,
अरे मेरे को वो दिन याद आ गया, पेशावर का, हमने दोपहर को लगवाई थी मेहंदी। और तुझे याद है मेरे शादी वाले टाइम पे मैं सुबह सुबह 9 बजे लग गई थी मेहंदी लगाने, मैं ही तो थी। और शाम को 5 बजे तक मेरी मेहंदी लगी थी, मैं ही तो थी। 5 बजे तक मैंने इतनी थोड़ी, वो मेहंदी वाले भैया को कॉल कर ले है ना, वो आ जाएंगे ठीक है, फिर सबकी मेहंदी लगवा देते हैं। इस बार तो मैं सोच रही हूँ पूरा सेलिब्रेशन करते हैं, एक दो दिन पहले का मतलब मस्ती मजाक के वो फुल सेलिब्रेशन। यार हमारे पास बहुत सारे काम है, गोलू गोद भराई का काम है, फिर शादी का काम है, फिर हमारा लोहड़ी का काम। मैंने ना एक चीज और सोची बताती हूँ, तो पायल ना मेरी बात से ना बिल्कुल सहमत होगी। मैंने पायल लैशेस के लिए मना किया था ना, क्योंकि लैशेस बहुत सुंदर लगते हैं, पर जब लैशेस उतरती है ना तो फिर आंख ना थोड़ी सी ना अजीब अजीब हो जाती है। तो मैं ना और पायल सोच रहे इस बार मैं ना लोहड़ी से पहले ना हाथों में नेल्स करवाऊंगी, नेल्स बहुत जरूरी है। मैं नहीं करवाऊंगी, मैं तो नेल एक्सटेंशन नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी ना, मैं नेल्स कराऊंगी ना मैं आई लैश कराऊंगी। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब हम करवाते हैं ना नए नए, बहुत सुंदर लगते हैं, आईज भी बहुत अच्छी लगती है, नेल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम वो ज्यादा दिन हो जाते हैं और हम ट्रेवल में हो और एक भी नाखून निकल जाए या लैशेज निकल जाए, पूरा लुक खराब हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं सिर्फ नेल पेंट करवाऊंगी, पावर पॉलिश कराऊंगी अपने ही नेल्स पे, चाहे मेरे नेल्स चिच्ची जितने हो चाहे पिच्ची जितने हो, इन्हीं पे कराऊंगी। हाँ उर्फी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं यार, थोड़ा सा लंग्स इन्फेक्शन था, बट कल की बच्ची थी, अभी मैं डिस्चार्ज होगी, अब भी वो घर आई हो। चलो मैंने ना देखा, जैसे पाल ने देखा पाल करी फटाफट कॉल कर, मैंने कॉल किया आपका नंबर नहीं लगा, मैंने कहा मैं कॉल करती हूँ पता नहीं क्या तबीयत ठीक है कि नहीं, अब तो सब सही है ना? दवाइयों की अभी सब सही है, दवाइयों की वजह से थोड़ा नींद में हूँ ना मैं, तो बस उसी चक्कर में मैं फोन भी नहीं उठा रही थी। ओ सॉरी यार, अब डिस्टर्ब हो गए। नहीं आप कॉल तो देखो, कॉल तो बनता है, जैद तो पहले से बेटर है। मेरे को जैसे ही मैंने देखा ना, मैंने कहा चलो यार पूछती हूँ। चलो अपना ध्यान ये लोग, उर्फी जी कृतिका ने तो कॉल लगाया था, फिर वो कॉल लगा नहीं, आपका मैसेज भी गया था वो भी टिक नहीं गया, तो मैंने बोला इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज करती हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे देखा ना? नहीं, मैं इंस्टाग्राम ना बिल्कुल नहीं चलाती हूँ, तुम बात नहीं मानोगे। तो हमें तो ये आपका दिल से वो है ना हमारा, तो फिर फोन तो करना बनता ही है। और वैसे भी हम लोग आ रहे हैं उस साइड ना, मुंबई साइड आ रहे हैं, तो आपको कॉल करेंगे। प्लीज जल्दी आओ, यही रुकना है घर पे। बिल्कुल बिल्कुल वहीं रुकेंगे आपके पास। अच्छा सुनो 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 सुनो, पहले इनका अयान तूबा और जैद का ना फर्स्ट फंक्शन है लोहड़ी का। अरे कब है ये? 13 को। अरे मैं पक्का ट्राई करूंगी, अगर हो पाए। नहीं तबीयत ठीक, नहीं नहीं तबीयत ठीक हो तभी आप आना, वरना कोई बात नहीं हम आएंगे आपके पास। डन, अब मैं ट्राई लेकिन 100% करूंगी कि मैं चलो एक दिन के लिए आऊं, मैं सिर्फ उसे फंक्शन के लिए आऊंगी। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ध्यान रखो, ओके। तो गाइज फिलहाल हमें जाना है ट्रेवल पे, तो आज करनी है बहुत सारी पैकिंग। तो मैंने ये सोचा है कि ट्रेवल के लिए ना मैं बाहर की कोई चीजें ना खाऊं, तो घर में ही पूरी प्रिपरेशन पूरी वो सब मैं करके जा रही हूँ। तो मैंने अभी जाना है बाहर मार्केट, बाहर मार्केट से बहुत सारा ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आना है, गूंद वगैरह लेके आना है। बनाने वाली हूँ गूंद के लड्डू, साथ में बनाने वाली हूँ प्रोटीन बार और एक और चीज, जिससे कि ना बाहर का अटरम शटरम ना खाकर हम हेल्दी चीजें खाएं। तो गाइज ये जो है ना, ये दोनों बच्चे सो के उठ गए हैं, मुझे करनी थी बहुत सारी तैयारियां। मैंने सोचा था कि रास्ते के लिए गूंद के लड्डू और ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लूं, पंजीरी तो ये खाते नहीं है शौक से, तो ये दो लड्डू और वो बना लूं प्रोटीन बार, क्योंकि रास्ते में ना मैगी वैगी खाने से अच्छा है कि हम ये खाएं। तो मैं बस उसी की तैयारी करने जा रही थी, इतने में दोनों उड़ गए और दोनों जो है मेरी गोदू में आ चुके हैं, मेरी गोदू में। अब ये नहीं सोएंगे, अब नहीं सोओगे ना। अच्छा कहाँ खाओगे? एप्पल पूरी खाओगे, क्या खाओगे? सूजी का चीला। तो कल ना बच्चों को ना शांति ने सूजी का चीला खिलाया था, सच में पायल ने बोला था कि खिला दे, इतना सॉफ्ट बनता है। शांति इसमें सूजी दही डाली थी, हल्का सा नमक डाला था, पायल मैंने चाट मसाला लगाता थोड़ा थोड़ा डालने को, और बहुत टेस्टी बना था। अभी आज फिर दोबारा से बनवाएंगे, और हल्की सी हींग भी डाल दी, डाल बच्चों की हर एक चीज में डालो, ताकि इनके पेट में कोई गैस वैस ना बने कुछ। अभी तो परोठा बनाया इनके लिए। तो भाई ये सारा ड्राई फ्रूट जो है हमें दिवाली में गिफ्ट मिला था, बाकी सारा तो मैंने यूज कर लिया, आप लोगों को बताया था कि साथ के साथ मैं जो है प्रोटीन बार बना लेती हूँ। अभी ये वाला जो ड्राई फ्रूट बचा है, मैं सोच रही इस वाले ड्राई फ्रूट को भी जो है इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये जाएंगे आज दोनों टाइप के लड्डू में, क्योंकि दोनों टाइप के लड्डू मैं बनाने वाली हूँ। और क्योंकि हमारी जो पूजा है ना, वो पिनिया तो दे जाती है, और पिनिया थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है, गूंद के लड्डू थोड़ी डिफरेंट तरीके से, और ड्राई फ्रूट के लड्डू कुछ डिफरेंट तरीके से। तो तीनों तरीके के लड्डू बना के डब्बे में भर के मैं लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैंने गूंद मंगाए थे, गूंद आ चुके हैं। आप लेके आए हो क्या दुकान से जाके? आप लेके आए हो? भैया लेके आए। हो गिग गया, गिग गया, कहाँ गिग गया भाई, इधर गिग गया।
इधर घी किया। चलो इसको अब मैं भून लेती हूँ, इसको भूनना है घी से। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो गूंद तो मेरे को नीचे दुकान से मिल गया था, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बाहर से जाके ही लेके आनी पड़ेंगी। और मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो दुकान खुली ना ऑर्गेनिक वाली, वहीं से जाके लेके आऊँ। तो मैं फटाफट पहले वहाँ जाती हूँ, सामान लेके आती हूँ, उसके बाद जो है और पैकिंग भी बहुत सारी करनी है। गोलू पैकिंग भी करनी है यार। और मैंने इस बार सोचा है ज्यादा कपड़े नहीं रखूंगी, पांच पांच जोड़े रखूंगी। मैं तुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दूं, हाँ, जब तू वृंदावन की साइड पे जा रहे हो ना, सूट ही रखना है। मैं तो ये कह रही हूँ, इस बार तू चली जा, अगली बार मैं चली जाऊंगी। यार इस बार तू चली जा, बताऊँ क्यों कह रही? मैं सही बोल रही हूँ, मेरे को ना कल इसका टेस्ट करवाना है। तो मैं करा लूंगी टेस्ट। यार मैं घूमने से बहुत बचती हूँ ना, मैं करा दूंगी। लोगों का लगता होगा कि मैं नहीं जाती, बट सच बोल रही हूँ मैं गाइस, मेरे को ना सच में घूमने से होता है, मेरे को ये होता है कि घूमना थोड़ा कम हो, मैं घूम। और गाइस ये जो हम घूमने का हमारा प्रोग्राम बना ना, ये भी सिर्फ आप लोगों के लिए बना हुआ है कि आप लोग ना हर एक चीज देख सको जो आपने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। देखो हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, और हम ये चाहते हैं जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो आप लोग कर सको। ये कैरावन लेने का बनाने का यही एक मोटिव था कि हम लोग आपको पूरा इंडिया टूर करा सके। पहले मैं ना कैरावन में सोच रही हूँ कि जब कश्मीर का प्लान बनेगा मैं कश्मीर जाऊंगी, मुझे बड़ा पसंद था कश्मीर। दीदी वहां से फिर एक ले आना तोबा की बहन। कश्मीर जाना तो पहले कश्मीर का प्रोग्राम कर लो, अभी ठंड भी है ना शादी। हाँ सही, ठंड में कश्मीर में अच्छा ही है, बहुत वेदर, बर्फ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जब घूमा कश्मीर घुमा फिर तू, जब तक मैं इन बच्चों की ठंड भी निकल जाएगी मैं इनको संभाल लूंगी, तू कश्मीर घुमा। ठीक है, मेरा मन है स्नोफॉल देखने का, इस स्नोफॉल देखने का मन है। वो कल रात को मेरी ऐसी गिग्गी पुग्गी होगी, इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी ना, पूछो मत, बहुत ठंड। जब हम यहाँ से गए थे ना इस तब ठंड नहीं थी, पर जब हम वहाँ से खाना खा के नीचे उतरे ना, ओहो सच में का गाली है मेरी बच्ची। मेरे पास तो ज्यादा गर्म सूट है नहीं, तो जो चीकू के पापा ने अभी हमें दिलाया था ना, मैंने उसमें पहना था, हमारे हवन पे पहना था। मैं सोच रही हूँ वो सूट जो है थोड़ा थोड़ा फिटिंग करा लेती हूँ, ये मेरे को आ जाएगा शायद ना, इतना मस्त आएगा। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं पायल थी नहीं घर पे, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, पुरानी यादें ताजा करती हूँ, सूट लेती हूँ। मैंने सूट तो डाल लिया, पजामी थी नहीं, पजामी नहीं, पजामी तो मैं फिक्स कर लेती, कुछ ना कुछ सूट आया ही नहीं, आया नहीं, नहीं आया, मुझे आएगा यहाँ से बाजू से नहीं आया, ये मैं रख लेती हूँ। और उसकी और मेरी साइज क्या है बोलो? स्मॉल स्मॉल। तो मैं काम देखना डब्ल्यू पे जाके ना small. ऐसी कुर्तियां और ले आती हूँ एक दो स्मॉल, और ये नंबर है 6 नंबर, 6 नंबर लेके आता। हाँ ये देख पजामी, हाँ ठीक है, एक जोड़ी तो ये रख, एक जोड़ी पर सुंदर लगेगा, पहले एक जोड़ी ये रख दे मेरा। हाँ ठीक है, ये सोच रही हूँ अब दो चीजें करनी है, आप मुझे सजेशन दो। पर आप जब तक सजेशन दोगे तब तक इन दोनों में से दोनों चीजें मैं कर चुकी होंगी, कि मैं पहले कपड़े लेके आऊँ या मैं पहले लड्डू बना के रखूँ। मुझे ऐसा लग रहा है लड्डू में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, तो पहले लड्डू का काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं शॉपिंग का या फिर पैकिंग का देखती हूँ। तो मैं पायल को बता देती हूँ, पायल पहले क्या करना है, पहले हम चलते हैं लड्डू की तैयारी करते हैं, क्योंकि देखो मेन ट्रिप पे लड्डू बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्दी खाना, उसके बाद तो हम शॉपिंग हम शाम को भी कर सकते हैं। कपड़े तो मैं रास्ते से भी ले सकती हूँ। हाँ चल चलते हैं, मेकअप वेकअप कुछ नहीं कर रही, नहा धो तो मैं मन में चुकी हूँ, चलते हैं। काफी दिन से आप लोग ना हमारी बातों को बड़ा मिस कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ना ज्यादातर आपको ट्रैवल दिखा रहे हैं, हम लोग कैसे खाना बना रहे हैं, कैरावन में कैसे सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वही सब दिखा रहे हैं, पर हमारी बातों को आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, तो इसलिए आज हम बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो आप बोर नहीं होने वाले हो बिल्कुल भी आज। तो गाइस ये फोटो कल रात को हमने निकाली थी, तो हम सोच रहे हैं इस फोटो को कहाँ लगाए कहाँ लगाए। तो और यहाँ पे ना मैंने पूरा एक स्टोर बना दिया, यहाँ पे जितना भी ज्यादा सामान है उससे ठीक है ना जो पहले था, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया सारे। तो यहाँ पे ना मैंने थाल पूरा खाली कर दिया, थाल में से ना अच्छे से मैंने सफाई कर दी है पूरे ड्राई फ्रूट्स की, जो भी कुछ थोड़ा बहुत निकला ना वो मैंने अलग से रख दिया यहाँ पे, क्योंकि ना पिछली बार मैंने वो बनाई थी ना प्रोटीन बार, तो प्रोटीन बार के अंदर क्या दिक्कत हुई थी, पिस्ते के जो वो रहते हैं ना छिलके, वो छिलके आ गए थे, तो वो ना मुंह में खाने में आ रहे थे, तो इसलिए प्रोटीन बार खराब हो गई थी। वैसे हमने खा के खत्म कर दी थी, क्योंकि देखो इतना सारा ड्राई फ्रूट डला हुआ था, तो इस बार वो गलती नहीं करूंगी बिल्कुल भी, पिस्ता इसमें नहीं है, पिस्ता इस बार मैं छिला हुआ लेके आऊंगी, जिससे कि ना मेरे लड्डू दोनों टाइप के जो है वो खराब ना हो, और प्रोटीन बार भी बनाऊंगी ना वो भी खराब ना हो, मुंह में कुछ ना आए, क्योंकि जब मुंह में कुछ खाने में से किरकिर आ जाती है ना तो मूड ही खराब हो जाता है, कितनी भी अच्छी चीज़ों खाने का दिल नहीं करता है। तो जो किशमिश निकली है ना वो किशमिश भी मैंने डब्बे में निकाल के रख दी है, अगर ऐसे पड़ा रहेगा कोई खाएगा नहीं, यहाँ सामने रख दूंगी, जिसका दिल करेगा उठा के खा लेगा। तो ये दो थाली अलग अलग आप सोच रहे हो क्यों करी है, तो वो थाली अलग अलग इसलिए की है, एक में बनाऊंगी मैं गोंद के लड्डू, एक में बनाऊंगी मैं प्रोटीन वाले लड्डू, तिल वाले, सफेद तिल भी मंगाने, अभी सफेद तिल इसमें है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ब्लिंकिट से दोनों चीजें ऑर्डर कर देती हूँ। जो गोंद है मैंने नीचे वाली दुकान से मंगा ली है, गोंद मंगाया मैंने 250 ग्राम, इसमें आटा लूंगी मैं 750 ग्राम, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आपने देख ही लिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी होगी, इसे मेजर कर लूंगी, मेजर करके आपको एक्यूरेट अगर जितना मतलब इस हिसाब से बनाना होगा तो एक्यूरेट आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी लगी।
लगेगी। इसमें जो है गूंद के लड्डू में घी भी लगता है, तो घी मैं ना प्योर वाला भी लेने जाऊंगी। पहले मैं जो तिल के लड्डू बना देती हूँ उसमें घी की हल्की सी एक चम्मच की जरूरत होती है, वो मैं घर से यूज कर लूंगी। तो गाइज ये है गूंद, काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। ये जो गूंद है सर्दियों में गूंद के लड्डू जो है बहुत ही लाभदायक होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वीकनेस जब बहुत ज्यादा बॉडी में आ जाती है तो उस वीकनेस को बचाने के लिए गूंद के जो लड्डू खाते हैं। और ये गूंद कहाँ उगता है? गूंद उगता है बबूल के पेड़ पे। हाँ, बबूल का पेड़, सही सुना आपने, जिसमें कांटे लगते हैं। लोग ना बबूल के पेड़ से बहुत दूर जाते हैं क्योंकि कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन बबूल के पेड़ से निकलता है गूंद, और ये गूंद जो होता है बहुत फायदेमंद होता है। तो मैंने ये 250 ग्राम मंगाया, पहले मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं। तो ये दो तीन चीजें निकली हैं इसमें से और बिल्कुल साफ है ये। अब मैं इसको जाऊंगी घी में इसको भूनना है, और ये भून के ना थोड़े फूल जाते हैं, फूल के इसको फिर मैं थाली में लेके इसको ना कटोरी से पीसूंगी, इसको पीसना पड़ता है। इतनी देर से एक चीज ढूंढ रही थी क्योंकि हमारे घर में ना देखो कैमरों का काम है, तो कैमरों के काम के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैमरों का मेमोरी कार्ड कहते हैं जी, तो वो ना मिल नहीं रहे थे हमारे पास, कम से कम 10-11 कार्ड हैं, अब वो मिल नहीं रहे थे। टेंशन आ रही थी क्योंकि देखो भाई मेहनत से पैसा कमाया जाता है, और एक कार्ड ना बार बार नहीं ले सकते हम, एक बार लेके अपना सालों साल चलता है। तो एक कार्ड जो है वो 17,000 का कार्ड था और वो मिल नहीं रहा था, और इतनी टेंशन होगी कहां गया। तो अब जाके वो मिला है, और अब जाके ना वो कार्ड मैंने कहा कि तुम लोग एक काम करो, सारे कार्ड ना मुझे दे दो, जिम्मेदारी मैं संभालूंगी ये, क्योंकि एक भी कार्ड इधर उधर जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इतना बड़ा ना एक पैकेट ले रखा है कार्ड रखने के लिए, तो मैंने अभी मिनी ब्लॉग को बोला है कि सारे उसमें डाल के और मुझे दे दे। मिनी व्लॉग में इसलिए बोलती हूँ, उसे प्यार से, वैसे उसका नाम केशव है। मैंने अपने घर की महारानी को भेजा है शॉपिंग के लिए, मैंने कहा आप जाइए क्योंकि हम हैं घर पे, तो हम घर पे करते हैं बाकी काम, तब तक आप जाइए। जो हम मैंने उसे बोला है कि खजूर लेके आने थे और सफेद तिल, वो तूने शांति सफेद तिल आए क्या? आए होंगे, देखो सामान में नहीं आए, कोई सामान ही नहीं आया। अरे जो अभी सामान आया था नीचे से टमाटर वगैरह, उसमें सफेद तिल होंगे, तो सफेद तिल तो मैंने नीचे से मंगा लिया था, गोंद भी नीचे से मंगा लिया था। अभी मुझे चाहिए थे पिस्ता छिले हुए, वो मैंने बोला बाहर से लेके आ, और प्रोटीन बार के लिए कुछ बेरीज वगैरह चाहिए थी, वो भी वो बाहर से लेके आएगी। तो बस अब वो आ जाए, उसी का वेट कर रही हूँ, फिर मैं शुरू करती हूँ काम। रानी बड़ी सयानी चलती चमचमकाती गाना, दूबा रानी बड़ी सयानी चलती चमचमकाती गाना, ओ दूबा रानी। देख सबसे पहले तो खजूर चाहिए मेरे को, सबसे पहले खजूर चाहिए। कितना? सीडलेस खजूर। कितना? कौन से वाला पड़ा है? गोल डब्बे वाला? गोल डब्बे में नहीं, वो तो घर में खाने वाला है। सीडलेस ले ले 250 ग्राम। सीडलेस निकाल दो 250 ग्राम, ठीक है। पिस्ता ले ले 250 ग्राम। 300 ग्राम ले ले। 300 ग्राम पिस्ता दे दो, सॉल्टेड नहीं, बिना वो, बिना सॉल्ट, प्लेन, बिना सॉल्ट के, उसका सेल ना हो, ठीक है। 300 ग्राम पिस्ता हो गया। ऑर्गेनिक शुगर है पूछिए उनके पास, ऑर्गेनिक शुगर आपके पास? ऑर्गेनिक शुगर है? नहीं है। ऑर्गेनिक घी? ऑर्गेनिक घी तो है ना? हाँ है ऑर्गेनिक। 1 किलो ऑर्गेनिक घी। अच्छा तेरे लिए लेकर आऊँ, ये तेरे को पसंद है? ये है 2 डब्बे मैं लेके आई थी पिछली बार, ठीक है। और वहाँ पे जब बेरीज जहाँ पे वो ड्राई सूखे वाले वो है बेरीज, वहाँ पे जाइए एक बार। हाँ वो क्रैनबेरी बेरी शेरी रेड कलर की जो होती है ना, क्यूब्स कटी हुई, एक मिनट, रेड कलर की ये रही क्रैनबेरी स्लाइस, ये ले ले 100 रुपीज की, ठीक है। और वो ले ले वाटरमेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, और क्या था, मेलन सीड्स ले ले। और वो जो ग्रीन कलर की सीड्स कौन से होते हैं? वो होती है ग्रीन वाली सीड्स होती है, पम्पकिन सीड्स। हाँ बस वो ले ले, पम्पकिन सीड्स, ग्रीन वाली सीड्स, और कितनी? 50 रुपए की बेरीज ले ले, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनाऊंगी। 50 की दे दो, 50 की ये दे दो, ठीक है। मैं काम करती हूँ, 100 की सीड्स ले लेती हूँ सारी। 100 की मत ले, 50-50 की ले ले। 50-50 की सीड्स, ठीक है, ओके, ठीक है। क्योंकि ज्यादा फिर वो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, ज्यादा बनाऊंगी तो कोई खाता नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। घी ले ले मत भूलियो। तो गाइस वहाँ पहुँच के भी मुझे कॉल करके पूछ रही है क्या लेना क्या नहीं लेना। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं था क्या लेना क्या, तो वहाँ जाके जब वो दिखाती है ना तब याद आता है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो अब बस उसका वेट कर रही हूँ यहाँ पे सारा सामान। और देखो ये कार्ड अभी हमने ढूंढे हैं इधर उधर से, सारे इधर उधर हो जाते हैं, तो इतने कार्ड की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, 3 मिनट की वीडियो भी बनाते हैं, ब्लॉग्स भी बनाते हैं, तो इसलिए हमें इतने कार्ड की तो जरूरत पड़ती है। ऐदा उदा ना खाओ, वधिया खाओ। तुम अब भी क्या खा रहे हो? तुम निकल गए, टाइम लगेगा, कोई गाल नहीं, थोड़ा वेट कर दिया। तो मेरे घर आते ही मेरे दो अनमोल रतन मेरे पास आ गई। गुगरू बाबू, तो गोलू यहाँ पे सारा सामान ले आई है जो मैंने बोला था गोलू को। एक प्लेट और दे दे बेटा। 200 ग्राम काजू लेके आई हूँ, ठीक है, 200 ग्राम काजू लेके आई हूँ। वो तू अपने लिए लाई ना, मुझे तो मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए लाई, तुम भी खा सकते हो। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए ना, मेरे पास ऑलरेडी सारा ड्राई फ्रूट है। मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ काजू, एक्स्ट्रा खाने के लिए। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ लड्डू बना देती हूँ वो वाले, और पता है क्या, मैम भी खाएगी लड्डू। हाँ मैम के लिए भी बना दूंगी।
खजूर को धो लिया, खजूर को धोके ना इसके ऊपर की जो होती है ना वो निकाल लो साइड पे, क्योंकि वो फिर नहीं तो मुंह में आ जाएगी। पिछली बार आपको बताया है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये धो लिया, धोके मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको करूंगी सारे सीटलेस है मैं लेके आई हूँ, तो भागा लेना पूछ रही है उसे, फिर भी कन्फर्म उसे कर रही थी। तो मैं इनको पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और उसके बाद जो है शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू। प्रोटीन बार मैंने बहुत बार रेसिपी दी है, तो इस बार मैं प्रोटीन बार की रेसिपी देके आपको बोर नहीं करूंगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने धोया है, तो धो के इसका पानी जो है उसको जला लेती हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच घी। एक चम्मच घी करने के बाद मैं बारी बारी करके अपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको करूंगी हल्का हल्का रोस्ट। तो गाइस ये जो घी है ना, ये घी मैंने अपने घर में खुद बनाया है, मैंने बाहर से घी नहीं लिया है, घर का बना हुआ देसी घी। तो ये एक चम्मच डालूंगी मैं कढ़ाई में। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, एक चम्मच ऑयल घी लिया है, उसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट एक साथ रोस्ट कर रही हूँ। तो गाइस अब जो मैंने खजूर लिए थे, मैं खजूर को मिक्सी में ग्राइंड किया था, उसमें आधा चम्मच घी डाल के उसे हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। तो जितना मैंने बनाया था ना अभी ड्राई फ्रूट्स का, उसमें से आधा मैंने प्रोटीन बार के लिए रख लिया और आधा रखा है मैंने इस वाले लड्डू के लिए। तो थोड़ा जो मोटा मोटा है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो अलग से नहीं तो लड्डू बंधेंगे नहीं। लड्डू को मानने के लिए ना थोड़ा सा ये वैसे ज्यादा बारीक हो गया, आप इसे मोटा मोटा चॉप करके भी डाल सकते हो, पर चॉप करने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारी तीन चार चीजें एक साथ बनानी है, इसलिए मैंने चॉप करने का झंझट नहीं रखा। व्हाइट प्लेट लेके आई बाबू। तो ये बन गए मेरे बहुत ही ज्यादा हेल्दी ड्राई फ्रूट्स खजूर लड्डू। इसमें कोई मैंने खोया नहीं डाला, कोई मैंने चीनी नहीं डाली, सिर्फ इसमें खजूर की मिठास है। और जो मैं प्रोटीन बार बनाती हूँ ना, उसमें ओट्स वगैरह बहुत सारी बेरीज वगैरह वो सब होती है, इसमें ये नहीं है, इसमें सिर्फ खजूर है, ड्राई फ्रूट है, घी है। तो गाइस यहाँ पे इतने प्यारे इतने मजेदार से लड्डू बन चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल गोल ट्रे के अंदर बने हैं। तो ये वाले लड्डू है ना अभी हम बाहर रख रहे हैं, उसको थोड़े सूख जाएंगे ना, सूखने के बाद खजूर होता है ना वो वैसे तो सॉफ्ट होता है बट कुछ टाइम बाद टाइट हो जाता है। और मुझे ना सच में गाइस बिल्कुल भी खजूर इतना पसंद नहीं है। लास्ट टाइम पहले प्रोटीन बार बनाई थी ना, बस मैंने टेस्ट की थी कि कैसे बनी है, बट मैंने शौक से नहीं खाई, पता नहीं क्यों मुझे। मैं खाऊंगी गूंद के लड्डू, मैं वो बनवाऊंगी अपने लिए कम से कम ही आधा किलो एक्स्ट्रा बना रही हूँ। तो हमारी जो एक रेसिपी है ना वो हो गई एकदम डन, बस अभी के दूसरी रेसिपी की तैयारी करेंगे, उस वो बनेंगे गूंद के लड्डू। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट है। मैंने बीच में प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने ये गूंद के लड्डू खाए थे और बहुत टेस्टी लगते हैं। और सर्दियों में ना गूंद के लड्डू दूध के साथ लेना ना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए ना ये आपका हेल्दी फैट होता है जो आप ले रहे हो। मैंने तो बहुत ज्यादा ना स्वाद लेके खाई है मिर्च, मैंने डेढ़ रोटी खाई है, ठीक है, वैसे एक खानी थी पर मैंने आधी और खा ली सिर्फ और सिर्फ मिर्च की वजह से। अब देखती हूँ पायल का कितना मजा आएगा खाना खाने में। साथ में बनी है आलू की तरीदार सब्जी। रोटी मैं एक ही रोटी खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती हूँ, आपको मेरी डाइट का राज पता ही है। तो मैं खा लेती हूँ ये वाली मिर्ची, और ये मिर्ची है ना हमने प्रेगनेंसी में इतनी खाई है ना, मैंने तो खाई है पर वो जैद चटोरा नहीं है, शायद मेरे को लगता मैं ही थी वो तीखा नहीं खाता, शायद मैं ही थी वो। मैंने बहुत मिर्ची खाई है शांति, हमें मिर्ची काट काट के सब्जी, मतलब हमारे घर में क्या होता था ना सब्जी कम मिर्ची ज्यादा बनती थी उस टाइम पे ना, होता है कभी कभी ना सब्जियों से मन हट जाता है, रोटियों से मन हट जाता है, पर हम परांठे रोटी नहीं खाते थे, हम परांठे खाते थे। क्या हो गया शांति, तो पुराने दिन याद आ गए। मिर्ची लेने आई है? नहीं, ये तो भैया को मैं देने आई, मैं अभी खाऊंगी बाद में। कैसी मिर्च पायल, सही नहीं है? अच्छी है। आप मानोगे नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, आज मिर्ची बनाई ना पायल ये दो दिन चलती है सिर्फ, इतनी तीखी औरतें हैं ना सब खा लेती है। इतनी मिर्च आपकी दीदी लेके आई तो मतलब मेरे को इस बार क्या हुआ, मैं सब्जी लेने गई तू नहीं थी, इतनी मिर्च लाई पायल। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ गूंद के लड्डू। गूंद के लड्डू के लिए पहले मैंने जो गूंद है वो साफ कर लिया है, और ये 250 ग्राम गूंद है। 250 ग्राम गूंद मैं एक साथ नहीं करूंगी क्योंकि ये फूलते हैं, इसको मैं चार बारी में जो है रोस्ट करूंगी पुलाव में। यहाँ पे मेरे गूंद जो है वो फूलने स्टार्ट हो गए, आप देख लो यहाँ पे आके आपको ऐसे फूलते हुए दिख रहे होंगे, ये देखो फूल रहे हैं सारे गूंद ऑटोमेटिक, अपने आप जैसे घी गर्म होगा ये अपने आप फूलने लग जाएंगे। और ज्यादा ऐसे जलाना नहीं है, हाथ मार के ना 2 से 3 मिनट में जो है फूलने लग जाते हैं, अगर आपकी कढ़ाई गर्म और तेल गर्म हो तो। इसका रंग चेंज हो जाता है, इसमें देखो रंग चेंज हो गया और फूल गया है। बस शांति जल्दी वो देख रहा है लंग डाली। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ में शांति को बोला है गूंद को ना कटोरी से पीस ले, आप चाहे ना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन गूंद के लड्डू का मतलब ही है जब तक किरकिर मुंह में ना आए ना, इसकी किरकिर अलग होती है, मिट्टी वाली किरकिर नहीं, या फिर कोई किसी गलत चीज की किरकिर नहीं है, गूंद की किरकिर बहुत टेस्टी होती है। तो गाइस मेरे पास 250 ग्राम ये थे गूंद थे, तो मैं इसमें अब 4 चम्मच घी डाल रही हूँ, और उसके बाद इसमें मैंने 3.5 कटोरी जो है आटा लूंगी इसके में भूनने के लिए। तो गाइस यहाँ मैंने अपना आटा जो है वो डाल दिया है, और साथ के साथ हिलाते जा रही हूँ ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि नीचे कढ़ाई जो है चल रही है। पायल ये वाले लड्डू तो बनाना मुश्किल है, इसमें मेहनत लगती है। एक पाव बता पा सिमटे क्यों कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर दे जल्दी हो जाएगा आटा जल जाएगा। बोलू जला आटा खाना है क्या? नहीं आटा है नहीं।
ये वाले जो लड्डू होते हैं ना वो फीडिंग मदर नहीं होती है हाँ। पे, उनके लिए बहुत हेल्दी है। अच्छा हमने भी तो खाए थे छोटे से तीन साल लड्डू भैया ने भैया की मम्मी ने बना के दिए थे ना, हमने भी खाए थे पर वो हमें प्रेगनेंसी से पहले मिले थे ना। हाँ तुम लोग जिम जाओ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, तो मैंने तो मैं कर रही हूँ मैं तुम्हारे जिम के बराबर कर रही हूँ। आता है तुझे जैसे बोल गए थे तो सारा आटा ही जला देती। नहीं मैं ऐसा आटा पकाती हूँ, ऐसा आटा पकाती हूँ सुबह बोलो वो आटा नहीं क्या करना पड़ता है उस आटे का ये पूछ रही हूँ मैं। जाओ तुम लोग जिम जाओ। देखो तेरा सीरम नहीं मिल रहा था दिन से, ये है क्या? हाँ यही है मेरे को मिला बाथरूम बाथरूम में कैसे रखती है मुझे क्या पता, बाथरूम में फेस वॉश करने के लिए थी मेरे मिला। घी बहुत कम डाला है तो मैं इसमें ओ डाल तो मैंने इसमें और घी ऐड किया है क्योंकि एक बिगड़ने वाला था, एक चौथाई एक मतलब कप डालना था और मैंने इसमें 4 चम्मच डाली थी तो अब जो है घी इसमें पूरी मात्रा में हुआ है और अब ये भुना जाएगा। गैस चला दी तो यहाँ पे मेरा जो आटा है वो रेडी हो चुका है, लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, ट्रांसफर हो गया व्हाइट कलर से और अब जो है इसे मैं निकाल दूंगी इस परात में और इसको साफ करके इसमें करने वाली हूँ मैं ये वाले ड्राई फ्रूट रोस्ट। 1 घंटा हो गया, कभी कोई यहाँ अटक रहा कभी कोई वहाँ अटक रहा है, टाइम से अपने पहुँच नहीं रहे। तो अब मैं सारे ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट करने वाली हूँ, एक एक करके करूंगी सारे एक साथ नहीं करूंगी। उधर वाला नहीं इधर वाला था। तो गाइस अगर हम मिक्सी में करते हैं ना तो बिल्कुल पाउडर बन जाता है और मुझे पाउडर नहीं बनाना तो मैं इसमें थोड़ा मेहनत लग रही है पर मैं इसमें कर रही हूँ चॉपर में। उंगली आ गई इसके अंदर कुछ किसी। तो गाइस यहाँ पे मेरा आटा गूंद चुका था, ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, उससे पहले मैंने गूंद कर लिया था 3.5 कटोरी आटा, 250 ग्राम गूंद, उसके बाद ड्राई फ्रूट लगा लो आप सारा मिला के 1 किलो है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए 1.5 कटोरी चीनी। तो अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें मुझे थोड़ा सा घी गर्म करके ऐड करना पड़ेगा नहीं तो जो लड्डू है ना वो बंधेंगे नहीं। तो गाइस अभी मैं घर पहुंचा हूँ और घर पहुंचते देखता हूँ भैया जो हमारी महारानी है वो मेरे लिए गूंद के लड्डू बना रही है। वो इसलिए बना रही है क्योंकि ना हम जा रहे थे बाहर घूमने के लिए क्योंकि मैं बाहर की उल्टी सीधी चीजें ना खाऊं, गाड़ी में जो चीज पड़ी हो जिसको खाने के बाद प्रोटीन विटामिन सब चीजें मिले। तो पायल आज क्या क्या बना दिया पायल आज? मैंने आपके लिए बनाया ड्राई फ्रूट के लड्डू साथ में गूंद के लड्डू, अब बस वो प्रोटीन बार रह गई थी वो मैं थक गई सुबह से लगी थी 2 बजे से, अब ये टाइम हो गया देख लो तो वो मैं कल बनाऊंगी। कोई बात इतनी चीजें बहुत। तो शायद आज रात को गोलू और पायल निकल जाएंगे वृंदावन के लिए और मेरा ना बहुत ज़रूरी काम है एज अ सेफ्टी पर्पस, थोड़े सरकारी काम है वो भी बहुत ज़रूरी थे तो उसमें मुझे टाइम लग रहा है 2-4 दिन मुझे यहाँ लगेंगे, तब तक पीछे बच्चे मैं संभालूंगा, गोलू और पायल जाएंगे वृंदावन। तो भैया बहुत ही प्यारा सा गूंद का लड्डू बनाया है, मेरी दादी के बाद अगर किसी ने लाइफ में बना के खिलाया है तो पायल है, हमेशा पायल रहते हैं। खा तूने नहीं खाया? बाप खाओ तूने नहीं खाया? बहुत अच्छे ये बने हैं मेरे बेहतरीन गूंद के लड्डू और अभी बहुत सारा माल जो है उसको बनाना बाकी है और इसमें ना मैंने सारा सामान जब इकट्ठा कर लिया ना उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है क्योंकि वो थोड़ा ड्राई होता है, घी ऐड नहीं करते तो लड्डू बंधते नहीं। तो भाई यहाँ पर पूरी अभी गूंद की तैयारी खत्म नहीं हुई। हाँ जी कृष्णा क्या हो गया बेटी गूंद खा रहे खा लिया? अब ये दुकान कहाँ पहुँच गई? मैं उसी को देख रहा हूँ इसी टॉप लेट आई। तो गाइस बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप हमें भी अपनी कैरावैन में घुमाओ, तो आपके लिए ना एक बहुत ही मजेदार टास्क दे देता हूँ। मेरी स्नैपचैट आईडी है ये, इसको पहले आप फॉलो कर लो, जो फॉलो करेगा और लिस्ट में मिल जाएगा मुझे और साथ साथ मेरी पहली स्नैपचैट पे ना कमेंट करना है जिसकी कमेंट में 0 हो। इंस्टाग्राम में तो आपने बहुत सुना होगा पर स्नैपचैट पे किसी ने नहीं किया, जिसकी कमेंट में 0 होगा उसको मैं कांटेक्ट कर लूँगा और अपने साथ घुमाने वाला हूँ और वो खुद बताएगा कि मैं उस तक कैसे पहुँचा और मैंने उसको कैसे बुलाया अपने साथ, उसके साथ 2 दिन का टूर करने वाला हूँ अपनी कैरावैन में। तो ये है मेरी स्नैपचैट आईडी, जल्दी से फॉलो कर लो। ये ठंडा होता है, ये ठंडा हो बंदर है, मैंने तेरे लिए कुछ ना कुछ बना के रखा वो खा ले है भाई। अभी खिलाया मैंने दोनों को। हाँ तो यहाँ पर हीटर चल रहा है, यहाँ पे ऐसी सर्दी नहीं है और इनको सर्दी लगे भी ना। एक और कपड़े मंगाई मैंने दोनों को। और पायल को मैंने बोला कि तू वृंदावन चली जा, पीछे की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दे, बच्चों को खिलाने से लेके पिलाने तक के ब्लॉग मैं बनाऊंगा। ओके क्योंकि हमने बोला हुआ था ना वृंदावन के लिए तो जाना तो जरूरी बनता ही है। ठीक है बेटी मम्मी को जाने दे, कह रहे जाने दो। दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो गाइस हम ये कह रहे हैं कि आपको फॉलो इसलिए करना पड़ेगा
क्योंकि आप फॉलो करोगे तभी हम आपको मैसेज कर पाएंगे, कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, इसलिए फॉलो करना जरूरी है। तो भैया यहाँ पर आ गए भैया मेरे बहुत ही स्पेशल प्याज के पराठे और साथ में मलाई है और किस किस मुँह में पानी आ रहा था मुझे। मैं बहुत बना बना के खिलाया करती थी पहले, अभी तो शांति ने बनाया है मेरे को। अब सर्दियों में अगर बात की जाए ना तो मेरा 6 से 7 किलो वजन बढ़ गया है, कोई बात नहीं, सर्दियों के मजे तो लेंगे, गर्मियों में पतले हो जाएंगे। और क्या, और क्या, गर्मियों में तो वैसे भी आप कवर कर लेते हो। कृष्णा, हाँ वेरी गुड। भाई कहाँ है, भाई कहाँ है? सो रहा है। इसका नाम कृष्णा है, इसको कृष्णा बुला दिया करो। ठीक है, अयान अयान रखते, कृष्णा नहीं बोलोगे तो कैसे स्कूल में बोलेंगे इसे कोई। कियारा, कियारा तूबा, तूबा से देखती है कृष्णा किन से बातें कर रहा है। दादा दादी को देख रहा था। भैया मम्मी पापा से बात कर रहा है, क्या कह रहा है? नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, राम राम कर रहा, राम पापा, पापा कह रहे, पापा पापा, दादी दादा नहीं दिए थे, पापा बड़े पापा, दादी दादा नहीं दिए थे। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट आईडी है, जल्दी जाओ फॉलो करो क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।